ठीक है, हमने लास्ट टाइम ज़ुविट्राइन के बारे में पढ़ा था और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि भाई किस तरह से जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे भाई। अब मैं ऑलरेडी आपको एक बार बताया था कि किस तरह से प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। ज़ुविट्राइन क्या होता भाई विकास, की जब अपने पास एक अमीनो एसिड होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई कंडीशन है इस तरह से, अमीनो एसिड का फार्मूला क्या होता है, कार्बन, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप, यहाँ पे COOH ग्रुप, एक R ग्रुप और एक H ग्रुप, ये अपने पास बेसिक फार्मूला किसका, अमीनो एसिड का। अब यहाँ से क्या करता है कि जो NH2 होता है इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, अपने ही हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है, तो इसका लोन पेयर इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। जब इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव अलग होगा तो पीछे कैसा चार्ज बचेगा, नेगेटिव, हमेशा ऑपोजिट चार्ज रहता है। तो इसके ऊपर क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन चला गया इसके ऊपर, NH2 की जगह बन गया NH3। अब इसका लोन पेयर गया था इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, समझ गए। इस अमीनो एसिड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्रिएट हो रहे हैं इस टाइम। यहाँ पर ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक इन नेचर भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये शो कर रहा है ज़ुविट्राइन, यहाँ पर फिलहाल इसको क्या बोल रहे हैं आप, ज़ुविट्राइन बोल रहे, समझे नहीं समझे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाए उस टाइम क्या कहलाएगा, ये ज़ुविट्राइन कहलाएगा, कर लोगे, आ गया समझ में। नेक्स्ट अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझना भाई, बहुत आसान सी चीजें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, हमने आपको अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बताया था, समझ में आई बात। अल्फा कैसे बताई थी, NH2 ग्रुप से बताई थी कि NH2 अगर राइट हैंड साइड है तो अल्फा, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता तो वो बीटा बन जाता था। तो अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, किसी दूसरे अल्फा अमीनो एसिड से जुड़ेगा, अल्फा अमीनो एसिड से जुड़ेगा, तो यहाँ पर जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो तब जाके वे क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाते, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और जो ये आप बीच में बॉन्ड बनेगा, जो भी बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को नाम देते हो आप पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा भाई, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हो, क्या ये बात समझ में आई। जब भी कभी दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और जो दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या ये बात समझ में आई। तो किस तरह का बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा भाई, कर लो क्या नहीं, ठीक है। इसको दूसरा आप पेप्टाइड बॉन्ड तो बोलते हो, एक और बोलते हो पेप्टाइड लिंकेज, क्या बोलते हो, पेप्टाइड लिंकेज, दूसरी चीज क्या बोलते हो भाई इसको, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से बनता है। मान लीजिए कि अपने पास एक अमीनो एसिड है NH2 C, और यहाँ पर मैंने लिखा COOH, और एक H यहाँ पर और एक R ग्रुप, ठीक हो गया भाई, अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है ना। अब दोबारा से आप क्या करोगे, एक और इसी तरह से लिखोगे, अल्फा अमीनो एसिड ही लिखोगे, कौन सा लिखोगे, अल्फा अमीनो एसिड को ही दोबारा से लिखोगे, कैसे, NH2। अब मैं NH2 को कुछ ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा कि आपको समझ में आ जाए, CRCOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, ध्यान देना भाई, यहाँ से देखना एक बार, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा, सी डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से क्या करेगा ये H2O बाहर निकल जाएगा, तो मैंने इस H2O को निकाल दिया बाहर, तो यहाँ से क्या बता, H2N इस तरह से लिख दिया, NH2 CRH C डबल बॉन्ड O
और किसके बीच में बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन के, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, सी आर एच सी ओ ओ एच। समझे नहीं समझे भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। तो कौन सा बॉन्ड पेप्टाइड बना भाई, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे हमने ये बताया था। नहीं आई बात समझ में? तो आपने क्या करना, बस ये कि H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है, तो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा भाई। ठीक है, फिलहाल इस प्रोडक्ट को आप डाई पेप्टाइड बोलते हो, क्या बोलते हो, डाई पेप्टाइड बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, डाई पेप्टाइड बोलते हो, क्यों, यहाँ पर दो आपस में जुड़ गया भाई ग्रुप, समझे नहीं समझे, दो अमीनो एसिड से क्या बनेगा, डाई पेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड से क्या बनेगा, ट्राई पेप्टाइड, चार से क्या बनेगा, टेट्रा पेप्टाइड। बुक के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है भाई, इस तरह से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, समझे नहीं समझे, और बहुत सारे अगर अमीनो एसिड तो उसको क्या बोलोगे आप, पॉलीपेप्टाइड, क्या बोलोगे, पॉलीपेप्टाइड बोलोगे। समझे नहीं समझे भाई, बताओ कोई डाउट हो तो, हो जाएगा। अब आप इसके अंदर अगर यहां पर ले लेते कौन सा ग्रुप, H, तो ये बन जाता ग्लाइसिन, GLY। अगर यहां पर ले लेते CH3 तो ये बन जाता एलेनिन, ALA। समझे नहीं समझे भाई, तो आप इसको इकट्ठा जॉइंटली क्या लिखते हैं, GLY ALA एलेनिन। समझे नहीं समझे भाई, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था इस आर ग्रुप को चेंज करते रहो, एक नया अमीनो एसिड आ जाएगा। तो 20 टाइप के जो आपको ग्रुप दे रखे हैं उन्हीं से एक नया अमीनो एसिड बन जाता है। कर लोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। नोटबुक कहाँ है, फिर कैसे समझ में आएगा, कर लोगे भाई, क्या इंसुलिन, इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है भाई। 10 से ज्यादा जब भी अमीनो एसिड जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी टाइम आप एक नया नाम दे देते हो पॉलीपेप्टाइड का। फिर से सुन लो भाई, अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसी टाइम आप किस चीज़ का नाम दे देते हो, इनका नाम पॉलीपेप्टाइड। समझे नहीं समझे, अगर दो हैं तो डाईपेप्टाइड, तीन है तो ट्राईपेप्टाइड, चार है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा, छः है तो हेक्सापेप्टाइड। सेम एज इट इज़, अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो कौन सा बन गया, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा भाई। कर लोगे यानी, बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है, ये उतार लिया, हो जाएगा यानी, ठीक है। ये हो चुका है, हो जाएगा यानी, ठीक है, बताओ भाई कर लोगे, मिटा दे इसको। आगे देखिए, और कभी कभी ना आप इसको पेप्टाइड ना बोल के प्रोटीन बोलते हो भाई, कभी कभी आप इसको पेप्टाइड ना बोल के प्रोटीन बोलते हो। जैसे कि आप इंसुलिन है अपने पास, इंसुलिन के अंदर कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं, कल भी बताई थी ये चीज़ें, ठीक है। एक पॉइंट और लिख रखा है बुक के अंदर कि जब भी कभी ये हमारे पास 10 से लेकर 100 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। तो उनके अगर मोलिकुलर मास की बात करते हो भाई तो वो क्या होता है, उनका 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, 10,000 यू लिखते हैं भाई उसको, इज ग्रेटर देन, ठीक है, यूनिट होती है ना हमारे पास, जैसे कि आप एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे स्टार्टिंग में, 9th क्लास में लिख रखी बातें, AMU लिखते थे, समझ में आई बात, एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे,
फिर आपने जो इसका मॉलिक्यूलर मास है ना उसके साथ जो यूनिट यूज करते हो वहां पर यू लिखते हो जाएगा। बताओ भाई कोई डाउट हो तो यहां तक। अब हम आगे बात करते हैं, इसी में हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इधर ध्यान दो भाई, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। प्रोटीन को आपने क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई का मतलब क्लासिफिकेशन कर दी, इसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में अलग से बताओगे, दो तरह की, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, किसके बेस पे कर दिया भाई क्लासिफाई, मॉलिक्यूलर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। दो तरह के प्रोटीन मिलेंगे भाई, कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा आपको कौन सा, फाइब्रस, और दूसरा ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस और दूसरा ग्लोबुलर। समझ में आया? तो प्रोटीन के कितने टाइप है, दो टाइप, दो टाइप। किसके बेस पे, मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे। कौन कौन से दो टाइप है, फाइब्रस और कौन सा भाई, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। समझे नहीं समझे भाई? अब इसमें क्या होता है, जब फाइब्रस प्रोटीन होते हैं आपके पास इस कंडीशन में, मान लीजिए कि अपने पास कोई चेन है इस तरह से, पॉलीपेप्टाइड की कोई चेन, ठीक है, सेम एज इट इज। दूसरी अभी हमारे पास इसी तरह से होगी, ठीक है। ये जो दो चेन होगी हमारे पास, किसकी, पॉलीपेप्टाइड की जो दो चेन है, इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा भाई, इनके बीच में आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से इस तरह से बॉन्ड बन सकता है, और जब बॉन्ड बनता तो हमारे पास ना, कई बार आप इसको यहाँ पर बोलते हो कि सल्फाइड बॉन्ड बनता है, किस तरह का, सल्फाइड बॉन्ड बनता है। हाँ ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है भाई इसके बीच में, और कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से। तो ये जो दो चेन होगी ना, ये किसकी होगी, पॉली पेप्टाइड की। थोड़ी देर पहले पॉली पेप्टाइड बनाना बताया था ना, किस तरह से बनेगा, कैसे बनता था, अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते थे और वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता था, ऐसा ही था। और जब हमारे पास कितनी यूनिट हो जाती, 10 से लेकर 100 तक, है ना, 10 से ज़्यादा हो जाती तो क्या बन जाता था, पॉलीपेप्टाइड बन जाता। अब हमने क्या कहा, अगर दो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, उनके बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो किस तरह का प्रोटीन दिखा रहा है हमारे पास, फाइब्रस प्रोटीन। किस तरह का, फाइब्रस प्रोटीन। इनकी एक दो चीज़ें और लिखना कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है किसके तरह होता है, फाइबर लाइक होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, फाइब्रस। तो स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, लाइक फाइब्रस, फाइबर। किसकी तरह होता है भाई, फाइबर की तरह होता है, ठीक है। इसके अलावा दीज आर इनसोल्यूबल इन वॉटर, ठीक है, इनसोल्यूबल इन वॉटर। अरे भाई समझ में, पानी में क्या करते, ये हाँ डिजोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि केरेटिन, के ई आर ए टी आई एन लिखना, कौन सा, हाँ देखना अभी, हाँ ठीक है। ये प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, इसमें हेयर में, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें लिखोगे वुड के अंदर, ठीक है, किसमें भाई,
वुड के अंदर, सिल्क के अंदर, ठीक है भाई। एक और अपने पास प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोसिन। इधर देखो, इधर क्या होता है? मायोसिन, मायोसिन SIN कहाँ पर होता है भाई? ये मसल्स में होता है। कहाँ पर होता है? मसल्स में होता है। नहीं, स्ट्रक्चर आप बायोलॉजी में पढ़ना, ठीक है ना, हो जाएगा भाई। तो ये किसके हो गया आपके पास से पता लग गया? फाइब्रस के बारे में। दोबारा से देख लो, पॉलीपेप्टाइड की चेन होंगी, आपस में बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में सल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर किसकी तरह होगी? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इंसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, केराटिन और मायोसिन इसके एग्जाम्पल है, हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कैसी चेन होती भाई? पॉलीपेप्टाइड चेन होती। पहली बात तो ठीक है, पॉलीपेप्टाइड तो इसमें भी थी, ठीक है। देखो, जब प्रोटीन ही हो गया तो इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड तो होगा ही, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, ये तो बात ठीक है। बट यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है कॉइल्ड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड आपस में, हाँ समझ में आई बात? इस तरह से किस फॉर्म में होती है? कॉइल्ड फॉर्म में होती है। ये इनसोल्यूबल इन वाटर थे, ये सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या भाई? सोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल लिखिए, इंसुलिन, इंसुलिन एंड एल्बुमिन, इंसुलिन एंड एल्बुमिन, ALBUMIN, इंसुलिन एंड एल्बुमिन, समझ गया भाई? कल बताई थी रे? कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे आप, समझ गया भाई? बताओ कोई डाउट हो तो कर लोगे? अब क्वेश्चन सुन लो कैसे आएगा, डिफरेंस पूछ लेगा आप क्या? बात तो इतनी है, अरे इसमें पॉलीपेप्टाइड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, पॉलीपेप्टाइड ये भी होंगे, ये स्ट्रेट चेन थे, ये कोइल्ड हो गए, समझ में आई बात? ये किस में थे? फाइबर की तरह थे। अब ये तो है किस की तरह? ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर का मतलब क्या? इकट्ठा होना, समझ में आई बात? ये सोल्यूबल, इनसोल्यूबल है, ये कैसे हैं? सोल्यूबल हैं। इसका एग्जाम्पल क्या? केराटिन और मायोसिन, और इसका एग्जाम्पल क्या? इंसुलिन और दूसरा कौन सा है? एल्बुमिन है, हो जाएगा, रख लोगे याद? नेक्स्ट अपने पास स्ट्रक्चर एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड शेप की बात करते हैं भाई। स्ट्रक्चर एंड शेप, हाँ फोर टाइप के होते हैं भाई। कितने टाइप के? फोर टाइप्स। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, ठीक है, टर्शियरी और क्वार्टनरी। क्वार्टनरी
ठीक है, समझे या नहीं समझे भाई? बहुत आसान सा, देखना प्राइमरी कैसे होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। प्राइमरी में लिखो, प्राइमरी में वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं, ठीक है, वन एंड मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। एक भी हो सकती है और भाई ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, बट सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ये नहीं कि कोई कोइल्ड फॉर्म में या फिर किसी तरह से है, सिंपल, ठीक है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसे? अपने पास अमीनो एसिड कैसे होते हैं भाई, जैसे ग्लाइसिन हो गया, या दूसरे से जुड़ गया, एलेनिन से जुड़ गया, इस तरह से ये यूँ जुड़ते चले जाते सीधे, समझ गए? तो कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी कहलाएगा। हो जाएगा, कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा, थोड़ा सा कोइल्ड फॉर्म में हो जाएंगे भाई, और कुछ नहीं है। हाँ अभी देखना, ठीक है, ये क्या होंगे, कोइल्ड फॉर्म में हो जाएंगे कुछ ऐसे। हाँ अगर ये ऐसे ऐसे कोइल्ड फॉर्म में आ जाए ना, तो अपने पास कौन सा कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा, ठीक है। इनमें बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, या आपस में जुड़ेंगे ना यहाँ से बीच में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। क्या होती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बनता है वो अल्फा हेलिक्स कहलाता है। कैसा? अल्फा हेलिक्स। वो तो स्ट्रेट है, समझ में आई बात? वो तो क्या है, स्ट्रेट ही है, उसमें कुछ नहीं है। इसको आपने क्या बोल दिया? अल्फा हेलिक्स बोल दिया। हो जाएगा नहीं? कैसे है, थोड़ा सा इस तरह से ना ध्यान रहे तो कुछ इस तरह से लगा लो कि जैसे ये ऐसे जुड़ रहा है। हाँ अब यहां से क्या होगा, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई। सी एक तो आर ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन, एक सी ओ एच, और यहाँ से एक एन एच टू, ठीक हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती, ध्यान देना, अगर एक हाइड्रोजन हो वो पहले तो किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा, या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, पहली कंडीशन। फिर यही हाइड्रोजन किसी दूसरे फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से जुड़े, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। समझ में आई बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं भाई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाए, ना, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ की बात करते हो आप, इसमें नाइट्रोजन है नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन है, दूसरा अमीनो एसिड हो उसका क्या करेगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन उसके या तो नाइट्रोजन से जुड़ जाए, या फिर उनमें से ऑक्सीजन के जुड़ जाए, या फिर हो सकता है उसके पास कोई फ्लोरीन हो, फ्लोरीन वैसे कम ही मिलता है, यही मिलेंगे, इनके साथ जब जुड़ता है तो यहाँ पर कैसा बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये यही पे कह रहा है कि यहाँ से अगर कोई नाइट्रोजन है और दूसरे का यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है और उसके साथ हाइड्रोजन हो गया, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे नहीं समझे भाई? तो आपस में जब ये जुड़ते हैं तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। दो चार मिनट रुको, हो गया भाई, एक लाइन लिखो इसमें, बट, हाँ इसी के अंदर, बट बीटा प्लेटेड सीट्स, बीटा प्लेटेड सीट
ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बीटा प्लेटेड शीट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन SHWT कंटेन इंटर एज वेल एज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ इंट्रा इंट्रा अरे इंटर। अब ये बता देता हूँ क्या चीज़ है, इसमें क्या फर्क है। इंटर एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर कब होती है, जब दो मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो कौन सी इंटर मोलिकुलर है। आपने कई बार ये देखा होगा ना, यहाँ पर इंटर स्टेट चैंपियनशिप चल रही है, टूर्नामेंट चल रही है। इंटर स्टेट का मतलब क्या, दो स्टेट के बीच में। कई बार वर्ड लिखा मिलता होगा आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट, मीन्स दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, दो या दो से ज़्यादा। और अगर इंट्रा लिख दे, इंट्रा स्टेट चैम्पियनशिप, मीन्स एक ही स्टेट के बीच में, तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, एक ही मोलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग, और इंटर कितने बीच में, दो के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आई वही बात। तो ये क्या कहता है कि देखो बुक के अंदर आप देखोगे भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बुक पढ़नी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दे रखे है बीटा प्लेटेड का दे रखा है, ठीक है, किसका दे रखा है, बीटा प्लेटेड का दे रखा है। इसमें यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से दिखा रखी है, दिख रही है ऑक्सीजन, उसके साथ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ से नाइट्रोजन है। तो ये तो कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटर मोलिकुलर, ये मोलिकुल इससे जुड़ गया। ऊपर से नीचे गए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई ऐसी बॉन्डिंग मिलेगी, नहीं इसमें यहाँ से नहीं दिखा रखा है, यहाँ पे बन सकती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर साइड में, ठीक है, कोई दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगी, इंट्रा। तो इसलिए बोलता है कि बीटा प्लेटेड जो कि एक एग्जांपल है किसका, सेकेंडरी प्रोटीन का, उसके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है भाई, इंटर मोलिकुलर भी और इंट्रा मोलिकुलर भी होती है। कर लोगे। नेक्स्ट है टर्सरी, ज़्यादा नहीं है भाई, बड़ी बड़ी दो दो तीन तीन लाइन ही है। टर्सरी प्रोटीन कौन सा होता है अपने पास, इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है भाई, थोड़ा सा ही है। बताओ भाई कोई डाउट हो तो, ठीक है। टर्सरी में क्या हुआ, अभी तो ये क्या हुआ था, एलेक्स फॉर्म में बना था, कोइल्ड हो गया था, वो थोड़ा सा और ज़्यादा कोइल्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से। समझ में आई बात, क्या हो गया, और ज़्यादा कोइल्ड हो गया भाई, ठीक है ना, और ज़्यादा नज़दीक आ गया। तो ये कौन सा है, टर्सरी, थ्री डिग्री भी बोल सकते हो इसको, हाईली तो इससे अगला हुआ, ठीक है, हाँ मोर देन सेकेंडरी। इसमें लिखिए क्या होगा भाई, इंट्रा एंड इंटरलिंक्ड पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट, इंट्रा एंड इंटरलिंक्ड चेन आर प्रेजेंट, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेज, वेंडरवाल फोर्स, वेंडरवाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो प्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं इनमें, डाइसल्फाइड हो सकते हैं, ठीक है, और कौन सा,
तीसरा कौन सा बताया भाई हमने? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर हो सकता है। लास्ट है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, हो गया भाई क्वार्टनरी और लिखो, ठीक है हाँ। आप बुक में देखोगे ना इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा कोइल्ड फॉर्म में दिखा रखा है भाई, देखो ऐसे देखिए भाई एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर प्राइमरी दे रखा है, सिंगल दे रखा है भाई, ये कोइल्ड फॉर्म में हो गया सेकेंडरी हो गया, ये थोड़ा सा और कोइल्ड फॉर्म में हो गया टर्शरी हो गया, या आगे चल के और ज़्यादा बॉल की तरह बन गया ना, तो कैसा बन गया? क्वार्टनरी बन गया भाई, समझे या नहीं समझे? तो इसी प्रकार से ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनता है। बॉन्डिंग ऐसे होगी, मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन सी होगी, इसमें कुछ अलग होगा तो लिखिए। तो क्वार्टनरी में क्या होगा? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट, बहुत सारी कौन सी होंगी? पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। इट इज हाईली कोइल्ड, इट इज हाईली कोइल्ड, कर लोगे भाई? ये कर लेना, इतना ही था इसमें, आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं इनके अंदर ये कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन टूटता कैसे, अब तक तो हमने बनाना सीखा, आगे हम इसको ब्रेक करना सीखेंगे।